दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और रहस्यमय होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा रहस्यमय गुफाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें से एक गुफा ऐसी भी है जिसके अंदर दूसरी दुनिया बसी है, और एक ऐसी भी गुफा है जिसके अंदर जो भी गया आज तक वापस नहीं लौटा है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 5 पर है शिवखोड़ी गुफा। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित यह रहस्यमय गुफा करीब 150 मीटर लंबी है। अंदर की तरफ बढ़ने पर यह दो हिस्सों में बढ़ जाती है। शिवलिंग के ठीक ऊपर गुफा की छत पर गाय के थनों की जैसी आकृति बनी हुई है, जिससे लगातार दूधिया रंग का तरल पदार्थ शिवलिंग पर गिरता रहता है। धार्मिक आस्था के अनुसार इस गुफा में आज भी भगवान शिव वास करते हैं। अमरनाथ यात्रा के मार्ग में ये गुफा आती है। श्रद्धालु और तीर्थयात्री इस गुफा का दर्शन करते हैं। गुफा का दूसरा हिस्सा बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस गुफा के दूसरे सिरे को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ जाने वाला शख्स कभी लौटकर वापस नहीं आता। मान्यता के अनुसार गुफा के बंद पड़े हिस्से की ओर जो भी जाता है वह शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। यह गुफा पूरी तरह से अंधकारमय है। इसकी चौड़ाई 1 मीटर बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक इस गुफा का बंद कर दिया गया हिस्सा बाबा अमरनाथ की गुफा में जाकर खुलता है। एक बार इस गुफा में कुछ साधु लोगों ने प्रवेश किया था, लेकिन वे कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। तभी से उस गुफा को बंद कर दिया गया है, और मान्यता है कि जो भी उस गुफा में जाता है वह वापस नहीं आता। नंबर 4 पर है नेपाल की आकाश गुफाएं। हिमालय की पहाड़ियों पर अजीबोगरीब गुफाएं हैं। ये 10,000 गुफाएं हैं। ये गुफाएं नेपाल के मस्टैंग जिले में हैं। इन गुफाओं को स्काई कैप्स ऑफ नेपाल भी कहा जाता है। जमीन से 155 फीट ऊंचाई पर स्थित ये गुफाएं 2000 से 3000 साल पुरानी हैं। इन गुफाओं तक जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई सीढ़ी, इसलिए ये गुफाएं आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं कि ये गुफाएं कैसे बनी हैं और इनमें इंसान कैसे रहते थे। इन गुफाओं पर कई शोध हुए, उनमें यह बात सामने आई कि इन गुफाओं को इंसानों के रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के ज़माने में भी लोग आधुनिक उपकरणों से यहाँ पहुँच नहीं पाते, तो इन गुफाओं को आखिर कैसे बनाया गया होगा। एक ही जगह पर 10,000 गुफाएं और वह भी ज़मीन से इतनी ऊपर, आखिर क्यों बनाई गई होंगी। इन गुफाओं में इंसानों के लंबे लंबे और अजीबोगरीब कंकाल भी मिले हैं, जो लगभग 3,000 साल पुराने बताए जाते हैं। बहुत से शोध हुए, लेकिन इन गुफाओं का सच आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, आपने अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कई गुफाएं देखी होंगी, लेकिन वियतनाम में जो गुफा है वैसी तो पक्का नहीं देखी होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है जिसके अंदर अलग ही दुनिया बसी हुई है। इस गुफा के अंदर ऐसी ऐसी डरावनी आवाज़ें आती हैं जिसे सुनकर लोग कांप जाते हैं। 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची इस गुफा का नाम है हैंगसोन डूंग। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल और नदी तक सब कुछ है। हर साल पर्यटक अगस्त महीने से पहले ही इस गुफा के अंदर जाकर वापस लौट आते हैं, क्योंकि इसके बाद गुफा के अंदर मौजूद नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। गुफा के अंदर जाने के लिए प्रति व्यक्ति का टिकट लगभग 2 लाख रुपए आता है। गुफा के अंदर जाने वाले पर्यटकों को पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलने और 6 बार रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही उन्हें गुफा में ले जाया जाता है। नंबर 2, 2018 में चीनी वैज्ञानिक गुआंगसी के पहाड़ों से होकर गुजर रहे थे, तभी उन्हें पहाड़ों के बीच में एक रहस्यमय गड्ढा दिखा जिसने सभी को चौंका दिया। हालांकि कुछ फुट के इस रहस्यमय गड्ढे को देखकर वैज्ञानिक इतना तो समझ गए थे कि यह कोई ज्वालामुखी का मुंह नहीं है, लेकिन उनके मन में फिर भी कई तरह के सवाल उठने लगे कि इस पहाड़ पर आखिर इतना बड़ा गड्ढा कहाँ से आया, इस गड्ढे में आखिर कौन सा राज छिपा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उन्होंने गड्ढे के अंदर जाने का फैसला लिया। वैज्ञानिकों की 19 लोगों की टीम में से
दो लोगों ने पहले अंदर जाने का फैसला किया और रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे, लेकिन गहराई इतनी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर दोनों वैज्ञानिक जान हथेली पर रखकर नीचे उतरते जा रहे थे कि कहीं तो इसका अंत होगा। आखिरकार 400 फीट की गहराई में जाने के बाद वैज्ञानिकों को कुछ रोशनी दिखाई दी। वो थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँच गए। सतह पर पहुँचने के बाद जब उन्होंने वहाँ मौजूद पेड़ पौधों को हटाकर आगे का नज़ारा देखा तो उनके होश ही उड़ गए। दरअसल पहाड़ के नीचे एक विशालकाय गुफा थी। अब उन्हें यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि जिस पहाड़ के नीचे वे आए थे वो तो ऊपर से पूरा खोखला है और उनकी बाकी की टीम ऊपरी परत पर खड़ी है। हालांकि सतह पर पहुंचने और विशालकाय गुफा को देखने के बाद दोनों वैज्ञानिकों ने बाकी सदस्यों को भी अंदर बुला लिया। इसके बाद वे जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए चौंकते गए। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक गुफा के अंदर 650 फीट की जगह थी और ऐसी ही ऐसी दो जगह मौजूद थी। यह गुफा इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर गीजा के दो पिरामिड समा सकते थे। वैज्ञानिकों का कहना था कि ऐसी गुफा उन्होंने हजारों साल से नहीं देखी। इस गुफा के अंदर एक सुरंग भी थी जो पानियांग नदी से मिलती है। नंबर एक, रहस्यमय गुफाओं के बारे में तो आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन एक गुफा ऐसी भी है जहां जाकर लोग थोड़ी देर के लिए भारी दुनिया को एकदम भूल जाते हैं। यह उत्तराखंड के गंगोलीहाट कस्बे में है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के अंत होने का राज भी इसी गुफा में छिपा हुआ है। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में इस गुफा के बारे में कहा गया है कि भगवान शिव का निवास है। सभी देवी देवता इस गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, आपको दी गई जानकारी में से सबसे अलग गुफा कौन सी लगी? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।